नमस्कार, मेरी गुरु खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी वर्मा। बजट में अब थोड़ा ही समय बाकी है, ऐसे में उम्मीद तेज हो गई है कि इस बार का बजट किसी ड्रीम बजट से कम नहीं होगा। खासतौर पर इंडिविजुअल्स के लिए डिस्पोजेबल इनकम कैसे बढ़े, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। बजट में क्या उम्मीदें हैं और इससे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर क्या असर होगा, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है हर्षवर्धन रूंगटा, चीफ फाइनेंशियल प्लानर रूंगटा सिक्योरिटीज। हर्षवर्धन, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अगर हम एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं, विशलिस्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहला नाम आता है टैक्स छूट का। कि पिछले कई समय से 80C की जो छूट है वो 1.5 लाख है, कहीं ना कहीं ये सबसे पहली एक आम आदमी की एक्सपेक्टेशन है कि इसमें कुछ बढ़ोतरी हो, खासतौर पर अब क्योंकि पूरा फोकस है कि डी मोनेटाइजेशन के बाद बजट में किस तरह के इनिशिएटिव्स होंगे, कैश ट्रांजैक्शंस को डिस्करेज करने के लिए, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को इनकरेज करने के लिए किस तरह के स्टेप्स उठाए जाएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं विशलिस्ट, तो सबसे पहली विशलिस्ट में क्या होगी, कौन सी चीज होगी? वेल पल्लवी, अगर हम एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर की नजरिए से देखें तो विशलिस्ट में डेफिनेटली छूट एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अगर हम इंडस्ट्री लेवल से बात करते हैं तो पॉलिसी मेकिंग, उनके डिसीजन मेकिंग, जो पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है वो नजरिया देखा जाता है। लेकिन जब हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें ये बहुत बड़ा मायने होता है कि आज आप एक इंडिविजुअल के हाथ में कितना पैसा छोड़ते हैं। इसमें दो तरीके हो गए, एक है कि आपकी इनकम टैक्स स्लैब, जितनी इनकम आप कमाते हैं उसमें कितनी बेसिक, जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो कितनी बढ़ाई जाती है, और दूसरी बात वो लिमिट के अलावा आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आपको टैक्स की बेनिफिट्स दी जाती हैं सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स में, ताकि आप जमा करें और उससे आपका टैक्स और बचे। तो जहां तक हम छूट की बात करते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट को मोटिवेट करने के लिए आपको लिमिट बढ़ानी होगी, कारण ये है कि अगर हम सेक्शन 80C बाई इटसेल्फ अगर देखते हैं तो इसमें करीबन 10 से 12 प्रोडक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं जिनका क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट मिला के होता है 1.5 लाख रुपए। जी, ये 1.5 लाख रुपए में आप स्कूल, अपने बच्चों की स्कूल की ट्यूशन फीस भरते हैं वो भी इंक्लूड होती है। तो अगर हम ये हाउसिंग लोन प्रिंसिपल देखें, ये सब देखें, पीपीएफ के जो मैंडेटरी डिडक्शंस देखें, तो इसमें 1,50,000 लगभग लोगों का हो जाता है। सो वक्त आ गया है कि अगर पैसे हाथ में छोड़ने हैं इंडिविजुअल टैक्स पेयर के, तो आपको ताकि ये जो इन्वेस्टमेंट के लिए आदमी इनकरेज हो और इन्वेस्ट करे, ताकि एक कल्चर भी अच्छा बनता है और दूसरे के हाथ में थोड़े पैसे बच भी जाते हैं। जी, इनफैक्ट हर्ष, कई ऐसी बस भी है कि इस बार स्लैब्स में भी कुछ छेड़छाड़ हो सकती है, यानी कि जो काफी समय से 10%, 20%, 30% के जो स्लैब्स हैं उसमें जो डिफाइंड है कि 2.5 से 5 लाख, 5 लाख से इस तरह से 10 लाख और 10 लाख प्लस, इसमें भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अगर हम कुछ संभावित टैक्स स्लैब्स की बात करें तो कुछ परसेंटेज में चेंज हो या फिर स्लैब्स में ही ओवरऑल चेंज हो जाए, कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि इस बार के बजट में अनाउंस हो सकता है या फिर वायबल ऑप्शन कौन सा होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का संकेत ये भी है कि टैक्स पेयर्स की जो संख्या है उसे वो कम नहीं करना चाहते। अगर लोअर एंड पे किसी भी तरह का बदलाव करते हैं, अगर 2.5 लाख से एग्जेम्पशन लिमिट 4 लाख या 5 लाख फॉर दैट मैटर होती है, ऐसे में काफी बड़ा तबका होगा लोअर इनकम ग्रुप का जो टैक्स के दायरे से ही बाहर हो जाएगा। तो इन चीज को बैलेंस कैसे किया जा सकता है बजट में? वेल पल्लवी, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जिसमें अगर हम टैक्स स्लैब बढ़ाते हैं तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो बढ़ती है उससे काफी लोग टैक्स नेट से बाहर हो जाते हैं, विच मींस कि उनको टैक्स भरना नहीं आता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो रिटर्न्स फाइल नहीं करते। रिटर्न्स फाइल करने के अपने खुद के फायदे हैं, क्योंकि उसके बेसिस पे आपको कोई भी पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, ये सारी आपकी एक ऑथेंटिक इनकम ऑथेंटिसेट हो जाती है। सो ये मानना गलत है कि अगर हम टैक्स स्लैब बढ़ाते हैं तो लोग टैक्स नेट से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, उनको टैक्स भरना नहीं आएगा, उनका टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन डेफिनेटली वो टैक्स के दायरे में रहेंगे, इन द सेंस वो रिटर्न्स फाइल करेंगे। सो अगर हम टैक्स रेट कम करने की बात करते हैं तो आप समझिए, अगर 2.5 लाख का 2.5 लाख ही रहता है और 2.5 से 5 लाख के बीच में अगर 10% है, उसे अगर आप 8% भी कर देते हैं, जो इफेक्टिव हाथ में बचता है वो बहुत अमाउंट कम रहता है। तो आप ये समझिए कि कॉर्पोरेट लेवल पे जब हम कंपनीज की बात कर रहे हैं कि एक रोड मैप बना दिया गया कि 30% से 25% लाया जाएगा टैक्स को, तो उसमें एक एवरी परसेंटेज पॉइंट्स बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन इंडिविजुअल के लिए अगर टैक्स नेट में लाना है तो आपको टैक्स लैब बढ़ाना होगा। जो इन्फ्लेशन आज की तारीख में है उसके बेसिस पे भी अगर हम देखें तो जो इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हुई है उस हिसाब से टैक्स स्लैब की जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो बढ़ा नहीं है।
सो अगर हाथ में पैसे आपको छोड़ने हैं इंडिविजुअल्स के, तो आपको टैक्स स्लैब बढ़ाना होगा ताकि लोगों को एक कंप्लाई करने में भी मुसीबत नहीं। अगर कोई आदमी आज की तारीख में 4 लाख रुपए कमा रहा है, टैक्स स्लैब मान लीजिए 4 लाख रुपए तक बेसिक एग्जेम्पशन आ जाती है, तो एक मोटिवेशन होता है कि टैक्स अपना रिटर्न तो फाइल कर दीजिए, ऐसे भी टैक्स भरना नहीं है। तो उस प्रकार से वो टैक्स फाइलिंग सिस्टम में जरूर आ जाता है। प्लस अगर 1.5 लाख से अगर वो लिमिट ATC की बढ़ा के 2 लाख या 2.5 लाख कर दी जाती है, तो उसे इन्वेस्ट करने का भी एक मोटिवेशन मिलता है। सो टैक्स परसेंटेज रिडक्शन अगर आप देखते हैं, तो उसका इम्पैक्ट शायद इतना नहीं हो जितना टैक्स स्लैब बढ़ाने से हो। सो मेरी नजरिए में ये बेटर होगा कि अगर टैक्स स्लैब इन्फ्लेशन को नजर में रखते हुए टैक्स स्लैब बढ़ाए जाए, तो उससे इनफैक्ट ज्यादा लोग टैक्स नेट में आएंगे। राइट, ये एक सुझाव है कि महंगाई से इसको लिंक कर दिया जाए, लेकिन विशलिस्ट काफी लंबी है। और अब हमारे साथ चर्चा करने के लिए जिमी पटेल भी मौजूद हैं, क्वांटम AMC के CEO। जिमी, वेलकम टू द शो। जब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की, जब हम बात करते हैं कि इस बार के बजट से क्या उम्मीद रखी जाए, तो सबसे पहले ख्याल आता है टैक्स छूट में बदलाव का और साथ ही स्लैब्स पे बदलाव का। जिमी के पास लौटेंगे, लेकिन हर्ष, जैसे आपने खुद कहा कि इसको इन्फ्लेशन से लिंक कर दिया जाए, देखना होगा इस बार के अनाउंसमेंट किस तरह के होती है। लेकिन इस बार बस ये भी है कि कैश ट्रांजैक्शंस को डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स उठा सकती है, और ऐसे में एक बज वर्ड है कि शायद कैश टैक्स ट्रांजैक्शन यानी कि CTT, जो एक जमाने में UPA गवर्नमेंट लेकर आई थी, उसको थोड़ा सा उसका रूपरेखा बदलकर ट्वीक करके इस बार इसे लाया जा सकता है। यानी 1 लाख से ऊपर के जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं उनको डिस्करेज करने के लिए इस तरह की कोई प्रोविजंस आ सकते हैं। आप क्योंकि कई सारे क्लाइंट्स से मिलते हैं और आप लगातार इसको ट्रैक भी करते हैं, क्या आपको लगता है इस बार कुछ ऐसा हो सकता है? क्योंकि समहाउ गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि डिजिटलाइजेशन पर हम स्विच कर रहे हैं, और ये धीरे धीरे समय के साथ ही होगा। डिमोनेटाइजेशन के अब 2-3 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन स्टिल काफी इंपैक्ट उसका हमने देखा भी, लोगों की स्पेंडिंग हैबिट्स में जो चेंज हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स में जो चेंज हो रहे हैं। आगे चल के बजट में खासतौर पर किस तरह के आप अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पल्लवी, ये जो कैश ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है, डिजिटल मोड की बात हो रही है, कैशलेस इकोनॉमी की बात हो रही है, अगर हम इसे देखें तो वापस दो तरीका है। एक जो सरकार ने मुहिम ऑलरेडी चला ली है कि अगर आप डिजिटल मोड से पेमेंट करते हैं तो आपका जो पेट्रोल का जो एक्सपेंसिव है उसमें आपको डिस्काउंट कैशबैक दिया जाएगा, अगर आप डिजिटल आप क्रेडिट कार्ड या कोई डिजिटल मोड से करते हैं। अगर आप और इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं तो आपको कई डिस्काउंट्स दिए जाएंगे। सो ये एक मोटिवेशन है कि जहां पे आप कैश दे सकते हैं, लेकिन आपको मोटिवेट किया जा रहा है कि आप डिजिटल मोड से पेमेंट करें, और उसमें आपको एक इंसेंटिव दिया जा रहा है। दूसरा नजरिया इसका ये होगा कि जब आप कैश दें तो या कैश बैंक से निकालें तो वो वहीं आपको रोक दिया जाए। इन द सेंस आपके पैसे हैं तो आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप निकाल नहीं सकते, लेकिन अगर उस पर एक ट्रांजैक्शन टैक्स लगा देते, जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन BTT की हमने बात की थी या जो UPA सरकार के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था, अगर ऐसा कोई टैक्स लगाते हैं तो एक आदमी एक इंसान डीमोटिवेट होता है कैश विड्रॉ करने के लिए। दूसरा एलिमेंट यह है कि जब आप कैश निकालते हैं और टैक्स उस पर लगता है, छोटा सा अमाउंट भले ही होगा लेकिन उसका एक ट्रेल बनता है, एक रिकॉर्ड बनता है। जब टैक्स लगाया जाता है तो उसकी फाइलिंग रिटर्न्स फाइल होती है, रिटर्न्स जब बैंक फाइल करेगी तो स्पेसिफिकली बताएगी कि ये पर्टिकुलर अकाउंट में से इतना रुपया निकाला गया था। अगर ये अमाउंट बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है तो डेफिनेटली जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या सरकार है वो उस पर ध्यान देगी कि इतना कैश जो है वो क्यों निकाला गया था, और शायद आपके उसके ऊपर एक इंक्वायरी हो सकती है। सो इंक्वायरी, जैसे हमने पिछली बार भी एक बार कहा था कि अगर इंक्वायरी होती है इसका मतलब नहीं कि आपने कुछ गलत किया है, लेकिन अगर आप प्रूफ कर सकते हैं कोई बहुत ही जेन्युइन रीजन के लिए आपको कैश निकालना पड़ा या आपका कुछ ऐसा काम होता है जिसमें आप कैश प्रिफर करते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक रिकॉर्ड और एक ट्रेल बनता है जिसकी जानकारी टैक्स डिपार्टमेंट को जाती है और फाइनेंस मिनिस्टर को जाएगी, जिससे वो एनालाइज करेंगे और उसके बेसिस पे जो सही समझे करें जी। सो क्योंकि हमने नजरिया देखा है सरकार का बहुत क्लियरली फोकस है कि कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाना है, डीमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा इवेंट था इंडिया के लिए, तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है कि ऐसा कोई छोटा सा टैक्स इंट्रोड्यूस किया जाए, नॉट फ्रॉम रेवेन्यू कलेक्शन, उसमें रेवेन्यू उनका टारगेट नहीं होगा, उनका पर्पस ये होगा कि एक रिकॉर्ड बने और एक ट्रेल बने जी। इनफैक्ट देखा जाए अगर पुराना अभी हम देखें रिकॉर्ड, 2009 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था UPA 2 की तरफ से, लेकिन बाद में इसको विड्रॉ कर लिया गया क्योंकि वजह यही बताएगी कि जो टैक्स कलेक्शन है उस पर कोई खास असर नहीं पड़ा। ब्लैक मनी को कब करने के लिए जरूरी एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। हमारे साथ क्वांटम AMC के CEO जिमी पटेल भी मौजूद है। जिमी, अगर हम बात करें डिजिटाइजेशन की, इस बार के बजट में खासतौर पर डिजिटल
डिजिटल इंडिया पर फोकस सरकार का शुरू से, लेकिन जब हम कैश ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, आपको लगता है कोई मेजर अनाउंसमेंट आ सकती है? और जैसे अभी हर्ष ने भी कहा कि कैश ट्रांजैक्शन टैक्स जो एक दूसरे फॉर्म में पहले पिछली सरकार भी ला चुकी है, इस तरह का कोई भी इनिशिएटिव क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बजट में? एक चीज बजट में देख सकते हैं कि फिलहाल जनधन योजना या हम बोलते हैं उसमें सेविंग्स के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा तरीका है जिससे आम आदमी भी इन्वेस्ट करके सेविंग्स कर सकता है। तो बजट के अंदर ऐसा देखा जाए तो डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर चेंज करके म्यूचुअल फंड को इंक्लूड कर दिया जाए तो एक बहुत अच्छा फायदा होगा। इससे अच्छा फायदा ये भी हो सकता है कि जो पैसा अमाउंट जो अकाउंट के अंदर आते हैं वो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट होंगे, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट होके अगर कैपिटल मार्केट में अगर आते हैं तो कैपिटल मार्केट का भी रिवाइवल हो सकता है। जो हम कैपिटल मूवमेंट देख रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो सपोर्ट कर रहे हैं वो काफी तारीफे करीब है, और इसके लिए थोड़ा बजट के अंदर सपोर्ट या गवर्नमेंटल सपोर्ट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को मिलता है तो और भी मोबिलाइजेशन होके इंडस्ट्री को और कैपिटल मार्केट्स को फायदा हो सकता है। आज की तारीख में जो पब्लिक चिट फंड या पॉन्जी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करती है वो सब इन्वेस्टमेंट अगर डाइवर्ट करके गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए और फाइनेंशियल इंक्लूजन में म्यूचुअल फंड अगर इंक्लूड हो कर दिया जाए तो काफी अच्छा हो सकता है। इसके अलावा अगर पेंशन फंड जो बेनिफिट हम म्यूचुअल फंड्स को दी नहीं गई है और म्यूचुअल फंड्स को भी पेंशन फंड का अप्रूवल दे दिया जाए ऑटो अप्रूवल रूट तो पेंशन का भी पैसा आ सकता है, और एनपीएस के साथ अगर म्यूचुअल फंड पेंशन फंड को भी कम्पीट कर दिया जाए तो एक आम आदमी को अच्छा बेहतर कॉम्पिटिशन मिल सकता है, अच्छा ऑल्टरनेटिव मिल सकता है। और म्यूचुअल फंड ने पिछले कितने सालों से प्रूव किया है कि दे कैन गिव बेटर रिटर्न्स एंड और रिटेल इन्वेस्टर का सर्विसिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट इस पर तो ध्यान होगा ही, फोकस होगा कि डिजिटलाइजेशन को कैसे बढ़ावा मिले और साथ ही म्यूचुअल फंड्स के लिए क्या अनाउंसमेंट्स आती हैं। लेकिन जहां तक टैक्स छूट की बात है तो हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर पैरिजात सिरवाला है, पार्टनर टैक्स केपीएमजी से। मैम वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि 80C को लेकर जो सुगबुगाहट है कि 1.5 लाख की जो छूट है उसमें बढ़ावा होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का अभी फोकस है कि सेंटिमेंट कैसे सुधारा जाए डीमोनेटाइजेशन के बाद। करेक्ट। सो सी ऐसा है कि एटीसी हम हर साल बात करते हैं, लास्ट ईयर जब गवर्नमेंट ने ये लिमिट बढ़ाई थी वो शायद फाइनेंस एक्ट 2014 में बढ़ाई थी। देन द लिमिट दैट टाइम अंडर एटीसी वाज 1 लाख व्हिच वाज इंक्रीज बाय 50,000 रुपीज टू 1.5 लाख। अगर आप उसमें देखो तो हमेशा मैं हर साल बोलती हूँ कि पूरी बंडल्ड अप लिमिट है, मतलब इट्स अ वेरी क्राउडेड लिमिट। You have everything in that, life insurance premiums, your tuition fees, to your PF, to your PPF, and everything is bundled under this limit of 1.5 lakh. And anyway, the intention is, you know, that the government wants to channelize investments and boost expenditure and, you know, stimulate the economy. So there is definitely a case ki 1,50,000 people limit hai, double to hopefully there is a case to increase. Particularly, you know, when अगर आप देखोगे तो post demonetization where individuals have large balances in their bank accounts, so you know bank deposits, everything, you know that money is already there. So increase अगर deduction limits में होगा, so it will always also encourage the taxpayers to further invest in these desired instruments. Right. इनफैक्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज है स्लैब्स को लेकर, बस है कि कुछ बदलाव हो सकते हैं और काफी सब्सटेंशियल बदलाव, यानी कि 2.5 लाख की जो लिमिट है इसे बढ़ाकर 4 से 5 लाख किया जा सकता है। अगर इस तरह का कुछ भी चेंज होता है तो आपको क्या लगता है ये वायबल ऑप्शन है, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में लोग टैक्स एम्बिट से बाहर हो जाएंगे जो शायद गवर्नमेंट की मंशा नहीं है। आपका टेक क्या है, स्लैब्स में किसी तरह के चेंजेस होने चाहिए या फिर कोई नई स्लैब इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए ताकि लोअर इनकम ग्रुप जो सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स में आता है उसमें कंप्लायंस भी बनी रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स भी भरें? जी बिल्कुल। सो अगर आप इसमें भी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो 2014 के बजट में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो 50,000 रुपीज से बढ़ाई गई थी। तब लिमिट थी 2 लाख रुपीज, उसको फर्स्ट स्लैब को 2.5 लाख किया था, वो 2014 में हुआ था और बाकी के 2 साल में उन्होंने रिबेट
इंट्रोड्यूस किया था. अगर आप ये साल का बजट क्यों लोग इतने व्हाई पीपल आर वेटिंग सो मच, बिकॉज ये बैकड्रॉप ऑफ रीसेंट डीमोनेटाइजेशन में जो है, तो कॉमन मैन की एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली है ये बजट से. और जैसे आपने बताया द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ टैक्स पेयर, सो यू नो रिकॉर्ड्स इंडिकेट दैट इंडिया हैज ओनली 3% ऑफ द पॉपुलेशन विच इज पेइंग टैक्स. यू नो देयर आर सर्टेन स्टैटिस्टिक्स विच आर यू नो इन द पब्लिक डोमेन फॉर दैट. सो डेफिनेटली द होप इज के एंड द मैक्सिमम पीपल सीम टू बी इन दिस ब्रैकेट ऑफ 2.5 lakhs to 5 lakhs. Okay? So currently the slab is 0 to 2.5 lakhs, then 2.5 to 5, 5 to 10, okay, 10 lakhs and above is the maximum. That 30% plus ki rate hoti hai. Clearly wish list or expectation or umeed to hai hi ke at least ye slab ko badhaya jaye aur har slab ko change kare. So hopefully 2.5 ka jo first slab hai 3 lakh tak kare. तो आपको लगता है कि 50,000 का स्पेस है कि गवर्नमेंट इसको 2.5 लाख से 3 लाख कर सकती है? पॉसिबल, बिकॉज इफ वेन यू कंपेयर इट विद अदर डेवलप्ड कंट्रीज इवन सर्टेन कंट्रीज अब्रॉड द ट्रिगर द फर्स्ट स्लैब इज वेरी हाई, व्हाइल इन इंडिया इट इज ओनली 2.5 लाख. सो अगेन the hope or the case is that it can go up. Now what happens finally, you know, Fed first will tell us. लास्टली मैम, इनफैक्ट एक बस ये भी है कि होम लोन के ब्याज पर जो छूट मिलती है, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज के लिए 2 लाख है जैसे 2 साल पहले रिवाइज किया गया था, उसे भी वर्कआउट किया जा सकता है और शायद ये थोड़ा बढ़ जाए, क्योंकि समाओ रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट देना है, अफोर्डेबल हाउसिंग एक और फोकस एरिया है गवर्नमेंट का, उसको लेकर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? You see, that rate, that deduction has also changed very, you know, बहुत, like 50,000 से increase हुआ है, तो उधर भी तो अगर इंडस्ट्री को, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बूस्ट देना ही है, तो देर इज अगेन अ मार्जिन फॉर इम्प्रूविंग इट. वेदर इट बिकम्स डबल और नॉट आई डोंट नो वेदर इट इन दिस बजट, बिकॉज दे हैव लार्जर थिंग्स टू डू. बट उधर भी अगर थोड़ी बहुत 2 का 3 हो तो भी यू नो बहुत इट विल बी वेरी गुड फॉर द सेक्टर एंड द इंडस्ट्री. थैंक्स अ लॉट अपना समय निकालने के लिए और टैक्स छूट को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस है उस पर चर्चा करने के लिए. ब्रेक के लिए रुक ले हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हर्षवर्धन रूंगटा और जिमी पटेल हमारे साथ मौजूद रहेंगे. आपके इन्वेस्टमेंट्स पर इस बजट में क्या अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं इस पर बात करेंगे. वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मनी गुरु बजट विशलिस्ट. हमारे साथ जिमी पटेल और हर्षवर्धन रूंगटा बने हुए हैं. हर्ष, जैसे अभी हमने केपीएमजी की टैक्स एक्सपर्ट से भी बात की और उन्होंने कहा कि रूम तो है, स्पेस तो है कि एटीसी की छूट को भी बढ़ाया जाए और साथ ही 24B में जो होम लोन के ब्याज पर छूट मिलती है उसमें भी बदलाव हो सकता है. एज एन पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट, आप क्या सुझाव रखते हैं, क्योंकि कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जिन पर अब छूट नहीं मिलती, जिसमें से इंफ्रा बॉन्ड्स भी हैं, एटीसीसीएफ की जो छूट थी 20,000 की, क्या उसे रीइंट्रोड्यूस किया जा सकता है? साथ ही एनपीएस जो एक और अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, उसमें इक्विटी पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाया जाए? आपको लगता है इस बार कुछ और चेंजेस इन इंस्ट्रूमेंट्स में या और कोई नया इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस किया जा सकता है टैक्स छूट को लेकर या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पर? वेल, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स की बात करें, जो 20,000 की लिमिट एक अवेलेबल थी, वो इनफैक्ट बहुत ही अच्छा एक यू नो एक एक्सक्लूसिव लिमिट बनाई गई थी ओनली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग. अगर हम सरकार का जो फोकस है आज की तारीख में देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस है. इनफैक्ट हम जो इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं प्रोजेक्ट्स को लेके जो पहले अटके हुए थे, वो सारी चीज अभी बहुत हाई प्रायोरिटी पे ली जा रही है. इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए एनआईएफ करके एक फंड भी बनाया गया 20,000 करोड़ के साथ में, और रेलवे एक्सपेंशन, आप रोड नेटवर्क की बात कर लीजिए, ये तो बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है. तो अगर फंडिंग चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को, तो एक टैक्स छूट के जरिए अगर आप रिटेल निवेशक को भी एक ऑप्शन देते हैं कि वो लॉन्ग टर्म फंड्स के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें टैक्स की छूट भी मिलती है, तो डेफिनेटली ये दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है. इंडिविजुअल को टैक्स से टैक्स बेनिफिट मिलता है और गवर्नमेंट को और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसे एक फंडिंग की एक ऑप्शन मिल जाती है. सो ये डेफिनेटली इंट्रोड्यूस करना चाहिए. और मेरी राय ये रहेगी कि आप उसे 20,000 नहीं करके उसकी लिमिट 50,000 तक रखिए,
ताकि जो वेल हील्ड इन्वेस्टर्स हैं जिनकी इनकम ज्यादा है वो डेफिनेटली 50,000 तक तो निवेश कर सकते हैं. तो जैसे विन विन सिचुएशन है, पूरी इंडस्ट्री, इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट को फायदा मिलता है, फंडिंग मिलती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, जिससे जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो सकता है. दूसरी बात जो आपने एनपीएस की, एनपीएस में डेफिनेटली एक बहुत ही सुपीरियर प्रोडक्ट है अगर हम उसे एक रिटायरमेंट सोशल सिक्योरिटी प्रोडक्ट की तरफ से समझें. अब इसमें हम देखेंगे एटीसीसीडी में ऑलरेडी एक एक्सक्लूसिव सेक्शन बनाया गया है जिसमें आप निवेश करके उसमें फायदा मिल सकता है. जहां तक इक्विटी फंड के इक्विटी एलोकेशन जो जो ऑप्शन ई है उसमें अगर आप इक्विटी में 50% तक ही निवेश होता है और वो मैक्सिमम अमाउंट है, इसके लिए शायद एक फंड, एक स्कीम, एक ऑप्शन और निकालना चाहिए जिसमें 100% इक्विटी का ऑप्शन हो. अगर कोई निवेशक पूरा 100% इक्विटी में करना चाहता है उसे एक ऑप्शन एनपीएस में मिलना चाहिए. इनफैक्ट जिमी आपने जैसे सुझाव भी दिया कि एनपीएस में जो 50,000 की विंडो है एटीसीसीडी के अंदर आती है, म्यूचुअल फंड्स जो पेंशन स्कीम्स को यू नो मैनेज करते हैं उनके लिए भी कोई छूट होनी चाहिए. याद दिलाना चाहूंगी यहाँ पर राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम की, इस तरह का एक स्पेकुलेशन है कि इस बार कुछ चेंजेस उसमें हो सकते हैं. तो मेरा सवाल आपसे इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर है, कैसे गवर्नमेंट आगे बढ़े कि इंसेंटिवाइज भी करे, लोगों को टैक्स छूट का फायदा भी पहुंचे और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट मिले इस बार. जैसा मैंने पहले बताया, अगर पेंशन फंड को ऑटो रूट अप्रूवल देके म्यूचुअल फंड्स को अलाउ कर दिया जाए पेंशन फंड मैनेज करने के लिए, और अभी रुंगटा साहब ने भी वही बोला इक्विटी एलोकेशन अगर 100%, मैं बोलूंगा 100% नहीं, बट इवन 80% भी कर दिया, 80-20 का रेशियो भी रखेंगे और पेंशन फंड में अलाउ करेंगे म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करने के लिए, तो ये एक नजरिया तरीका हो सकता है कैपिटल मार्केट्स या इक्विटी कैपिटल मार्केट्स को बढ़ावा करने के लिए. साथ में मैं याद दिलाना चाहूंगा कि तकरीबन में एक 54EIB करके कैपिटल गेन्स बेनिफिट स्कीम आई थी जो 100% इक्विटी कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए बना. वो स्कीम बाद में 2002-03 में स्क्रैप हो गई. अगर वैसी एक स्कीम म्यूचुअल फंड्स को परमिट कर दी जाए वेयर बाय कैपिटल गेन्स किसी ऑन सेल ऑफ एसेट और एनी. शुक्रिया जिमी समय निकालकर बातचीत करने के लिए, और हर्ष आपका भी शुक्रिया. फाइनेंशियल प्लानिंग और कैसे बेहतर हो सकती है ये तो देखना होगा बजट में जो अनाउंसमेंट्स होती है, हालांकि आप डिसिप्लिन से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को इंटैक्ट रखें. इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार.